हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार हमारे आरए कंस्ट्रक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इसी वीडियो में दिखाएंगे आरसीसी स्लैब बीम किस तरह से बाइंडिंग करना है, ओवरलैपिंग कहां पे देना है, चूड़ी जो रिंग है वो किस तरह से बाइंडिंग करना है, एल बाई थ्री के हिसाब से कैरिंग किस तरह से मारना है, सारा डिटेल में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से बीम बाइंडिंग किया है। दोस्तों चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रॉड कैसे कितना डाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 दिया है टॉप में, दो 16 एक कैरिंग बार है, आपको नीचे में दिया है दो 16, देखिए दो 16 दिया है, और बीच में दिया है दो 12, देखिए दो 12 दिया है। इस भीम पे हम लोग टोटल सात रॉड दिया है। देखिए यहाँ पे सात रॉड दिया है, देखिए इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है। तो आपको पहले से मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको ये जो भीम है आपको किस तरह से बाइंडिंग करना है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू से देखिए ये जो रूम है ये 13 फुट का रूम है। 13 फुट को हम लोग तीन हिस्सों में बांट लेंगे। तीन हिस्सों में बांटने से इसका जो साइज़ है वो 4 फुट 4 इंची में होगा। एल बाई थ्री का हिसाब होता है, आपको तीन हिस्सों में बांटना है। तीन हिस्सों में बांटने से आपको 4 फुट 4 इंची करके आएगा। देखिए हमें मेजरमेंट कर रहा है। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, बाद में आपको मिस्टेक हो जाएगा किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से मेजरमेंट कर लेने के बाद देखिए ये आपका जो पिलर से जो 4 फुट 4 इंची पिलर से इधर आएगा, फिर बीच में 4 फुट 4 इंची रहेगा। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा है। देखिए इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा, पहले मेजरमेंट करके मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका जो रिंग है वो डालिए। देखिए अभी बीच का हिस्सा माप लेंगे। देखिए इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा, करने के बाद आपका जो एल बाई थ्री के हिसाब से जो कैरिंग होगा इस तरह से मारिए। देखिए ये बीच का जो है ये आप 6 इंच करके इसका मार्किंग करके 6 इंच करके रिंग डालिए। देखिए यहाँ पे हम लोग 6 इंच करके डाल रहे हैं, बीच का जो हिस्सा होगा वो 6 इंच करके मार्किंग करके डालिए रिंग। देखिए दोस्तों ये बीच का हिस्सा में 6 इंच करके मार्किंग करके रॉड डाला है। देखिए और अब 6 इंच और साइड में जो जाएगा पिलर का जो साइड में जाएगा वो 5 इंच करके आएगा। देखिए ये 5 इंच करके आएगा, इसको आप 5 इंच करके मेजरमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको बांधने के बाद ये देखिए यहाँ पे भी 5-5 इंच करके इसको मार्किंग किया जा रहा है। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। हमेशा एल बाई थ्री के हिसाब से आपको करना है, बीम बांधना है। आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा, मार्किंग करके रिंग फंसा के देखिए आप इसका सामने से देखिए इस तरह से जो बीच का हिस्सा होगा वो 6 इंची होगा और साइड में जो आएगा वो 5 इंची करके आएगा। देखिए और वही हिसाब से आपको कैरिंग मारना है। देखिए दोस्तों इस तरह से देखिए इस तरह से बनना है, इस तरह से फंसा के बनना है आपको। इस तरह से फंसा के बांधिएगा तब आपका जो रिंग है वो आपको हिलेगा नहीं कि जगह पे रहेगा। देखिए दोस्तों इस यहाँ पर किस तरह से बाइंडिंग किया जा रहा है। दोस्तों जब भी आप आरसीसी भीम बाइंडिंग करेंगे आप हमेशा रूम का जो साइज़ है उस हिसाब से 3 इंच में बांट लीजिएगा। उसके बाद साइड में आपको 5 इंच देना है और बीच में 6 इंच देना है। देखिए दोस्तों ये मेरा टीम है, सारा टीम है। देखिए इन लोग सारा काम करते हैं। देखिए इस तरह से काम करिए, देखिए किस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको हमेशा ध्यान में रख के बीम बांधना है, तभी जाके आपको कभी आप साइड में भी कोई इंजीनियर आ गया आपका जो बाइंडिंग किया गया है वो आपको दोबारा खुलने नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से बाइंडिंग कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये बाइंडिंग करने के बाद इस तरह से फिनिशिंग आया। देखिए बीच का हिस्सा देख लीजिए आप 5-6 इंची में है और साइड का जो है वो 5-5 इंची में। देखिए दोस्तों इस तरह से बांधना है, इस तरह से बाइंडिंग कीजिएगा हमेशा। देखिए चलिए अभी आपको ओवरलैपिंग के बारे में दिखाते। देखिए दोस्तों हमेशा आप ध्यान में रखिए जब भी आप ओवरलैपिंग डालेंगे, देखिए हमेशा रॉड आपके लंबा में आपको मिलते नहीं होगा। तो आप जब भी ओवरलैपिंग डालेंगे तो आप नीचे का जो रॉड होगा
वो आप पिलर से दो ढाई फीट बाहर करके रखिए। देखिए ये पिलर से दो ढाई फीट आप दो फीट तीन फीट तक बाहर लेके रखिए नीचे का रोड, और उसके बाद उसमें ओवरलैपिंग डालिए। देखिए और ऊपर में ऊपर का जो रोड है वो आपको बीच में रखना है, जो ओवरलैपिंग है वो आपको बीच में रखना है। देखिए दोस्तों चलिए आपको सामने से दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बीच में आप एक जगह में मत रखिए, हमेशा दोनों मतलब चारों ओवरलैपिंग एक साथ में मत रखिए। देखिए इस तरह से आपको बीच में रखना है, इस तरह से बीच में रखना है। देखिए देखिए इस तरह से बीच में रखिए, तभी जाके आपका ओवरलैपिंग भी सही रहेगा। देखिए इस तरह से आपको ओवरलैपिंग डालना है। अब नीचे का जो रोड है वो आपको पिलर से दो ढाई तीन फीट इधर करके रखिए, और ऊपर का जो रोड आएगा वो आपको बीच का सेंटर में लगा रखना है। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको आरसीसी भीम बर्निंग करना है। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर जो भीम होता है आपको राइट एंगल में दिखाई देता है हर साथ में, यहाँ पे हम लोग नहीं दिया है। इसमें कुछ डिजाइन है इसलिए हम लोग इसमें कैंटिलीवर भीम नहीं दिया, देने से मतलब अच्छा नहीं आएगा, देखने में अच्छा नहीं लगा। देखिए दोस्तों ये जो कैंटिलीवर भीम के बदले हम लोग इसमें हिडन भीम दिया। देखिए हिडन भीम जो मेन बार है उसको हम लोग कंटिन्यू किया है, और दूसरा वाला भी देखिए अब इसको भी हम लोग इस तरह से कंटिन्यू किया है। देखिए इस तरह से कंटिन्यू किया है। ये जो है बीच का जो कैरिंग बार है, देखिए बर्निंग किया जा रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू किया है। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर भीम नहीं दिया है, इसके बदले हम लोग यहाँ पे हिडन भीम दिया है। ये आपको स्लैब के अंदर में रहेगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें कुछ डिजाइन है इसलिए हम लोग नहीं दिया है। देखिए ये साइड में भी सेम दे के रखा है। देखिए इस तरह से हिडन भीम दिया। देखिए अब अगर हिडन अच्छा से अच्छा तरीके से देते हैं आपको प्रॉपर लोड मिलेगा। देखिए यहाँ से ये जो रोड है इसको हम लोग कंटिन्यू किया। देखिए इसको कंटिन्यू करके इसको बाहर फेंका। देखिए इसे कैंटिलीवर भीम कैंसिल करके इसमें हिडन भीम दिया। देखिए दोस्तों इसका जो मेन कैरिंग बार है उसको भी हम लोग कंटिन्यू किया। देखिए यहाँ से कंटिन्यू किया है। देखिए इस तरह से कंटिन्यू करके इसको लेके गया। देखिए इस तरह से आप लोग भी हिडन भीम देने सकेंगे अपने साइड पे, लेकिन आपको जो मेन बार है उसको आपको कंटिन्यू करके लेके जाना है, और कंटिन्यू करके लेके जाना है बाहर तक, उसके बाद आपको हिडन भीम देना है। देखिए देखिए आपको इधर में भी देखिए इस तरह से हम लोग इसमें कंटिन्यू भीम कैंसिल करके इसमें हिडन भीम दिया है। हम लोग यहाँ पे कुछ डिजाइन है इसलिए हम लोग कैंसिल कर दिया। देखिए देखिए दोस्तों भीम बर्निंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको स्लैब बर्निंग का वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप में से कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं हमेशा एक नया नया टॉपिक में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।